बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बहुत ही आसान और चटपटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतली, या आलू के चंदे कह लें या आलू की भुजिया कह लें। तो चलें जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियाँ हम बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आधा कप ऑयल लिया, उसमें मैंने जो है दो दरमियानी साइज़ की जो प्याज है उसको काट के अब मैंने प्याज इसमें डाल दी है और इसको प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। प्याज हो गई है, देखें आप प्याज इस तरह की चाहिए हमें। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जी 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको हल्का सा सोते कर लेंगे ज़ीरे को। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे छोटे छोटे से मैंने 3 टमाटर काट के रखे थे, टमाटर डाल दिए। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ फिर मसाले डालेंगे। ये देखें जी आधा कप से भी करीब कम जो है मैंने इसमें के अंदर पानी ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। अब इन सारे मसालों को भून लेते हैं अच्छे से। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला भून जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला देखिए हमारा अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 किलो आलू, मैंने ये कट करके रख लिए थे, 1/2 किलो आलू डाल दिए इसके अंदर। और अब डालेंगे इसमें हम 1 कप के करीब पानी और ये हैं 3-4 हरी मिर्चें, ये मैंने कट कर ली थी और इसको हम करते हैं थोड़ा सा मिक्स और इसको मीडियम आँच पर कवर करके मैं आलू गलने तक पकने के लिए रखूँगी। इसको मैं करती हूँ कवर और इसको पकने के लिए हम रख देते हैं जब तक हमारे आलू गल जाते हैं। चलें फिर आलू गल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी आलू की कतलियाँ रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए आप। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जी ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट के रखा था, ये इस पर डाल दिया। अब इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स, ये देखें इसको मिक्स करते हैं और आप देख रहे होंगे आलू हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। बस ये हमारे जो है आलू की कतलियाँ सर्विंग के लिए रेडी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।